1194 वो साल था जब पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराया गया। वही मंदिर जिसके गर्भगृह के दोनों शिखरों में 22.5 मान सोना लगा हुआ है, और वही मंदिर जिसको 1676 में गिराकर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई औरंगजेब ने। आखिर क्यों हम हिंदुओं के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे अयोध्या का राम मंदिर? और अब जब फाइनली ASI की रिपोर्ट में ये क्लियर साबित हो चुका है कि यहाँ पर मस्जिद से पहले एक मंदिर हुआ करता था, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई ASI की ये रिपोर्ट ना फेक है। सबसे पहला सवाल, आखिरकार किसने पहली बार बनवाया था काशी विश्वनाथ का मंदिर? फिर दूसरा सवाल कि आखिर कितनी बार इस मंदिर को तोड़ा गया और किस किसने तोड़ा? तीसरा सवाल, आखिर कब मंदिर को तोड़ के यहाँ पर प्रॉपरली ज्ञानवापी मस्जिद बनवाया गया? चौथा सवाल, आखिर क्या थे वो सबूत जिससे ये साबित हुआ कि यहाँ पर मस्जिद से पहले एक मंदिर था बिल्कुल बाबरी मस्जिद की तरह? और पांचवा सवाल, आखिर कौन है वो लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई ASI की ये रिपोर्ट ना एकदम फेक है, फर्जी है, जबकि ASI की उस वाली टीम में 2 मुस्लिम आर्कियोलॉजिस्ट भी थे? तो इस वाली वीडियो में आपको काशी विश्वनाथ मंदिर की पूरी हिस्ट्री जानने को मिलेगी और इन सारे ही सवालों के जवाब मिलेंगे। तो सबसे पहला सवाल, आखिरकार किसने पहली बार बनवाया काशी विश्वनाथ का मंदिर और कब? कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में महाराजा विक्रमादित्य ने पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर को बनवाया था, और तभी से पूरे देश की जनता काशी विश्वनाथ मंदिर पे दर्शन करने के लिए आती थी, और 11वीं शताब्दी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर 12वीं शताब्दी में भारत में आता है मोहम्मद गोरी, जो भारत के कई प्रदेशों में आक्रमण कर जीत जाता है, और ये वही टाइम था जब पहली बार मोहम्मद गोरी दिल्ली सल्तनत की नींव रखता है। काशी विश्वनाथ का मंदिर पहली बार कब तोड़ा जाता है इसकी जानकारी मिलती है इस किताब में, पर्शियन स्कॉलर हसन निजामुद्दीन की लिखी हुई किताब ताज उल मशर में। इस किताब में उन कुछ दौर की बात है जो बताई गई है। साल 1194 की बात है जब गोर के मोहम्मद और गढ़वाल राजवंश के जयचंद के बीच में एक लड़ाई लड़ी जाती है, और ये लड़ाई पता है कहां लड़ी जाती है? आगरा के यमुना नदी के पास चंदावर में। शायद आप में से कई लोगों ने इस लड़ाई के बारे में सुना होगा। इस लड़ाई को आसनी के युद्ध के नाम से जाना जाता है इतिहास के पन्नों में। हसन निजामी की किताब के अकॉर्डिंग इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत होती है, और तब वो कन्नौज की तरफ बढ़ने की तैयारी करता है, लेकिन उसी टाइम उनका इरादा बदल जाता है और वो प्रस्थान करते हैं गंगा किनारे बसे शहर काशी की तरफ, क्योंकि कहा जाता है उस टाइम पे काशी भारत का केंद्र माना जाता था। और मोहम्मद गोरी जैसे ही काशी पहुंचा ना, तो उसने काशी के 1000 मंदिरों को तुड़वा दिया, और उसमें से ही एक था काशी विश्वनाथ का मंदिर। और यही वो काल था जब पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करा गया मोहम्मद गोरी के द्वारा। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला शासन कुतुबुद्दीन ऐबक का रहा, और जब भारत में इसका राज था ना, तब देश भर में कई हिंदू मंदिर को ध्वस्त किया गया। फिर उसके बाद जब साल 1210 में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक बना, तब ये हमले थोड़ा कम होने लग गए। साल आया 1296 जब दिल्ली गुलाम वंश खत्म हुआ, और फिर उसी दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर का दोबारा निर्माण शुरू हुआ, और फिर से वहां पर पूजा अर्चना शुरू हो गई। समय बीतता गया, दशक बीतते गए, और साल आया 1359। ये वही साल था जब फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर बसाया था। उस दौरान फिरोज शाह का एक वजीर हुआ करता था ख्वाजा जहां मलिक सरवर। उन्होंने तुगलक से अपना संबंध तोड़ दिया और स्वतंत्र सल्तनत कायम करी। इसी मलिक सरवर के वंशज सुल्तान महमूद शाह सरकी ने 1436 से 1458 ईस्वी के शासनकाल के दौरान बनारस में फिर से मंदिरों में तोड़फोड़ शुरू कर दी, और इस तरह काशी विश्वनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ा गया। अब कई साल तक ऐसे ही चलता रहा। साल आया 1556 जब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का कार्यकाल शुरू हुआ। एक बुक है काशी का इतिहास, इसमें इसके ऑथर मोती चंद जी बताते हैं जब अकबर का कार्यकाल चल रहा था ना, तो साल 1585 ईस्वी के आसपास गोवर्धन दास ने अपने पिता राजा टोडरमल के आज्ञा के बिना काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण दोबारा शुरू करवाया पंडित नारायण भट्ट की सहायता से। और टोडरमल उस समय अकबर के दरबारी और राज्य व्यवस्था की देखरेख करा करते थे, और इस तरह शुरू हुआ मंदिर का निर्माण तीसरी बार। फिर समय बीता, अकबर का बेटा जहांगीर आया और जहांगीर का बेटा शाहजहां आया। अच्छा, शाहजहां भी कम नहीं था, क्योंकि साल 1632 में शाहजहां ने कोशिश करी कि काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराने की। शाहजहां ने अपने सेना की भारी टुकड़ी भेजी काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराने के लिए, लेकिन वहां के लोगों की भारी भीड़ ने काशी विश्वनाथ मंदिर को उस वक्त बचा लिया, और वहां के लोग उस टाइम पे बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद पैदा होता है शाहजहां का बेटा, मुगलों में सबसे ज्यादा क्रूर कहा जाने वाला, जिसने अपने ही बाप शाहजहां को जेल में कैद कर दिया, अपने सगे भाइयों को मार दिया गद्दी के लिए, जिसने जबरन जनेयू उतरवाया हिंदुओं का और धर्म परिवर्तन करवाया, वो था औरंगजेब। साल 1658 में जब शाहजहां थोड़ा बीमार पड़ने लगा, तो उनके बेटों के बीच में भैया थोड़ा मारपीट शुरू हो गई गद्दी के लिए, और उस टाइम पे औरंगजेब ने अपने भाइयों को मरवा के गद्दी हासिल कर ली और अपने पिता शाहजहां को जेल में कैद कर दिया, और उसी टाइम पे उसने पूरे देश भर में तबाही मचाई। और 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराने का फरमान जारी किया, और ये फरमान ना आज भी कोलकाता की इस लाइब्रेरी में सुरक्षित है। और ठीक 5 महीने बाद 2 सितंबर 1669 बादशाह औरंगजेब को खबर दी गई कि उनके आदेश का अच्छे से पालन हुआ है और मंदिरों को पाठशालाओं को तोड़ दिया गया है और काशी विश्वनाथ
विश्वनाथ मंदिर को भी तोड़ दिया गया है। और ये वही टाइम था जब काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई गई औरंगजेब के द्वारा। डॉक्टर मोती चंद की लिखी हुई किताब के अकॉर्डिंग मस्जिद बनाने वालों ने पुराने मंदिरों की पश्चिमी दीवार गिरा दी और छोटे मंदिरों को जमींदोज कर दिया। पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी द्वार भी बंद कर दिया और इन द्वार के ऊपर उठे शिखर गिराकर उनकी जगह गुंबद खड़े कर दिए। गर्भगृह मस्जिद के मुख ढलान में तब्दील हो गया। मंदिर का पूर्वी भाग तोड़कर एक ब्राह्मणे में तब्दील कर दिया गया जिसमें आज भी पुराने खंभे लगे हुए हैं। मंदिर के पूर्वी मंडप में पत्थर के चौके बिछाकर एक लंबे चौक में बदल दिया गया और इस तरह खड़ा हुआ मंदिर के ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद। और फिर जब औरंगजेब के बाद मुगलों की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी और मराठा शक्ति का उदय हुआ तो इसी दौरान दोबारा शुरू होती है काशी विश्वनाथ मंदिर को बनाने की कोशिश। और मंदिर को बनाने का यश प्राप्त होता है इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर को। इन्होंने ज्ञानवापी क्षेत्र में मस्जिद के साइड में जमीन खरीदी और अवध के नवाब से मंदिर के निर्माण की अनुमति ली। और साल 1770 जन्माष्टमी का वो दिन था जब काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना हुई। मंदिर के गर्भगृह के दोनों शिखरों को स्वर्ण जडित करने का काम पंजाब के महाराणा रंजीत सिंह जी ने किया। इन्होंने साल 1839 में 22.5 मान सोना इस काम के लिए दिया। ग्वालियर की महारानी बाईजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और नेपाल के महाराजा ने वहाँ पे विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित करवाई और ऐसे बना काशी विश्वनाथ का मंदिर जो कि आज कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर के जस्ट बगल में ज्ञानवापी मस्जिद का होना और मंदिर के अंदर नंदी जी का मुख मस्जिद की तरफ होना जहाँ मस्जिद में वजू खाना है। वजू खाना वो जगह होते जहाँ पर मुस्लिम हाथ पांव धोते हैं नमाज पढ़ने से पहले। अब हिंदू धर्म के अनुसार तो नंदी जी का जो मुख होता है ना वो हमेशा होता है शिवलिंग की तरफ। और कहीं ना कहीं हिंदू दल ये बहुत अच्छे से जानता था कि ज्ञानवापी मस्जिद से पहले यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था। और यही बात इतिहासकार ऑड्रे ने भी लिखी है अपनी किताब में कि मंदिर को तोड़ के ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिरों के अवशेषों का इस्तेमाल किया गया है और तभी से हिंदू दल ने अपना ज्ञानवापी मस्जिद का संघर्ष जारी रखा। हिंदू दल अयोध्या के अलावा जिन दो धार्मिक स्थलों को पाने की लड़ाई लड़ता रहा ना उसमें काशी और मथुरा भी है। और क्या आपको पता है कि हमारे भारत में 300,000 से ज्यादा मस्जिद है और ये मस्जिद अपनी जगह में रहे और मुसलमान यहाँ पर आके पूजा अर्चना करें इससे हिंदुओं को ना कोई भी आपत्ति नहीं है। काशी में ज्ञानवापी और मथुरा जन्मभूमि पर मुस्लिम धार्मिक स्थल मंदिरों को तोड़कर बनवाए गए हैं इसीलिए इन जगहों को हिंदुओं को वापस सौंप दिया जाए। और इसी बात की लड़ाई चल रही है कोर्ट में कई साल से। फिर कोर्ट ने ASI को इस मामले में जांच पड़ताल के लिए कहा और जब ASI ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाना से पानी खाली करवाया ना तो उनको गोल स्ट्रक्चर में एक शिवलिंग मिला। अजय मिश्रा जी कल इसको फवारा कह रहे और जब कोर्ट ने ये बात मुस्लिम दल से पूछी ना तब उन्होंने कहा कि ये कोई शिवलिंग नहीं है बल्कि ये तो फवारा है। लेकिन ASI ने अपना सर्वे जारी रखा और फाइनली कोर्ट को अपनी रिपोर्ट दी। ASI की लेटेस्ट रिपोर्ट में ये है कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार भी हिंदू मंदिर का एक हिस्सा है। ASI को सर्वे के दौरान 32 अलग अलग शिला पट भी मिले जिसमें कन्नड़, तेलुगु और देवनागरी भाषा में लेख लिखे मिले और ओम स्वास्तिक जैसे चिन्ह भी बने हुए हैं। और ASI का ये भी कहना है कि अंदर जितनी भी हिंदू मूर्ति मिली है ना उनको तोड़ के इस्लामिक स्ट्रक्चर बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ASI के सर्वे से ये पता लगता है कि भैया ज्ञानवापी मस्जिद भी किसी मंदिर को तोड़ के बनवाया गया है। और मस्जिद के अंदर एक पत्थर में लिखा भी था कि मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब के कार्यकाल के दौरान करवाया गया यानी साल 1676 से लेकर साल 1677 के बीच में, जिससे ये साफ साफ साबित होता है कि भैया ज्ञानवापी मस्जिद भी बाबरी मस्जिद की तरह एक हिंदू मंदिर को तोड़ के बनवाया गया है। और औरंगजेब भी था वो जिसने साल 1676 में हिंदू मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनवाई। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि ASI की ये रिपोर्ट अनसाइंटिफिक और इमेजिनरी है यानी ASI की रिपोर्ट बिल्कुल फेक है। वैसे उन लोगों को ये बात बता दूं क्लियरली कि ये सर्वे ना किसी हिंदू संगठन ने नहीं किया है बल्कि ASI की जिस टीम ने ये सर्वे किया है ना उस टीम के अंदर दो मुस्लिम आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, इजहार आलम जी और अफताब हुसैन। तो ASI की इस रिपोर्ट को फेक और गलत बताना शायद सही नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि भाई जो जिसका है वो उसी को तो मिलना चाहिए। और अब इस बात के तो पुख्ता सबूत भी मिल चुके हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान माना जाता है और काशी ने गोवा को टूरिज्म के मामले में तो कई पीछे भी छोड़ दिया है। साल 2022 में यहाँ पर 7.35 करोड़ लोग दर्शन के लिए आए थे और साल 2023 में 5.3 करोड़ लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आए थे यानी इन दो सालों में 12 प्लस करोड़ लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आए थे। और शायद ही किसी पूजा स्थल को इतनी बार मिटाने की कोशिश की गई है इतिहास में। लेकिन अब फाइनली 25 जनवरी 2024 को जब कोर्ट ने ASI के इस सर्वे की रिपोर्ट को हिंदुओं और मुस्लिम दोनों को सौंप दिया और कहा भैया कि इसको आराम से देखो, अब दोनों ही पार्टी
हिंदू और मुस्लिम इसको आराम से स्टडी करेगा और इसके बाद फाइनल जजमेंट कोर्ट की तरफ से डिलीवर किया जाएगा और फिर ये वाला केस भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इसके बाद अगला जिसका फैसला आना बाकी है वो है कृष्ण जन्म स्थल मथुरा का। तो ये थी ज्ञान वापी मस्जिद की पूरी कहानी शुरुआत से लेके अब तक की। अब आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्णा।